कौन फ्रंट भाई? होमवर्क में आपका सवाल होगा सिर्फ पेज 89 पर, क्वेश्चन नंबर 17। पेज 89 पर क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज साथ वाले को चुप करा लें, कोई हजार लोगों का टाइम जाया कर रही है। पेज क्वेश्चन 17, पेज 89। आपको देख के वैसे दिल चाहता है कि सीए बंदा दोबारा शुरू कर दे। अच्छा क्वेश्चन 31 देखो किस पेज पे है। क्वेश्चन 31 निकालो प्रैक्टिस का, पेज 92। चलें जी पेज 92 निकालें। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा भाई लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो डिस्काउंटिंग है वो डिस्काउंटिंग अगर एनओटी का फॉर्मूला लगाएं तो फिगर्स को एक पीरियड यानी एक अरसा पीछे ला के छोड़ देती है। एंड अगर अगर 3 साल की लीज है, खामोश ना भाई, इट्स एनफ। एक मिनट यार, एक मिनट, कौन बोल रहे हैं अब? भाई भाई प्लीज। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे 6-6 महीने की रेंटल्स हैं, 50 का रेंटल इधर, 50 का इधर, 50 का इधर, 50 का इधर, आप बताएं डिस्काउंटिंग क्या इंश्योर करेगी कि सारी फिगर्स को कहाँ ला के छोड़ दे? एक पीरियड पीछे, एक पीरियड पीछे, एक साल पीछे या एक पीरियड पीछे? सुबह साल का सवाल था तो एक साल पीछे लाके छोड़ा था, अभी 6 महीने का सवाल है तो 6 महीने पीछे लाके छोड़ेगा। और अगर मिसाल के तौर पे क्वार्टरली रेंटल्स हों तो डिस्काउंटिंग क्या इंश्योर करेगी कि सारी फिगर्स को कहां लाके छोड़ दे? एक पीरियड पीछे लाके, एक पीरियड पीछे लाके। हाँ जी लेकिन ना 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 ना, एग्जैक्ट एक पीरियड पीछे लाके, 3-3 महीने है ना, तो जो पहली रेंटल है उससे जो एक पीरियड पीछे है वहां लाके छोड़ेगी और वो स्टार्ट होगा। नहीं, ये बात नहीं होगी। सारी पेमेंट्स को मैं कह रहा हूं, सारी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड लाके पीछे छोड़ देगी। आप सही, सारी पेमेंट्स को, सारी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस एक पीरियड पीछे लाके सारी पेमेंट्स कहां आ जाएंगी? एक पीरियड पीछे। अच्छा ये सफे पलटना जरा बंद करो, तो फर्स्ट पेमेंट से पीछे आ जाएंगी। लेट्स स्टार्ट पहला सवाल, क्वेश्चन 31। अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, इसके सॉल्यूशन मैंने नोट्स में अपने लिए साथ डाले हुए, आपके पास किताब में ऑब्वियसली साथ साथ इसके सॉल्यूशन नहीं है, जल्दी बैठ से हाइब्रिड में टाइम पे आना था। अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, एक कंपनी ने एक प्लांट लीज के ऊपर एक्वायर किया है, जल्दी आ जाना हाइब्रिड में, तो कौन पीछे खड़ा हुआ है? अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2019, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज, लीज टर्म इज 4 ईयर्स, डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम अंडर द एग्रीमेंट। अच्छा जी लीज टर्म कितने साल है? 4 साल। अंडर द एग्रीमेंट 3 किस्तें, असूली तौर पर वैसे 4 साल में कितनी किस्तें होनी चाहिए? 4, लेकिन यहाँ कितनी किस्तें होंगी? 3 किस्तें। अंडर द एग्रीमेंट 3 किस्तें ऑफ ₹100 मिलियन ईच आर टू बी पेड इन एरियर्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। What does it mean? The story is bit like this. Story कुछ इस तरह बनेगी। के लीज आपकी 4 साल की है, 19 में शुरू हो रही है, 19, 20, 21, 22। अब सवाल यह है कि हमारी डिस्काउंटिंग ये वाला सो, इसका मतलब है पहले वाला रेंटल हम पे नहीं कर रहे, बस ये है। तो सवाल से पहले चीज अंडरस्टैंड कर लें, आई रिपीट द क्वेश्चन। कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2019, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर दिस लीज, लीज टर्म इज
4 years, please. Lease term is, discount rate is 10%. Another agreement, 3 kistes of 100 million each to be paid in, commencing from the end of second year. Commencing from the end of second year. That is 31st December 2020. ओके अब आप मुझे ये बताएं कैलकुलेटर पे ट्राई करें कि 1 जनवरी 2019 की पीवी क्या है. गिव अ ट्राई. मेरे पास भी है फिर फोन, मैं भी चैनल पे लगाने लगा हूं. ये लो अब देखना फिर तड़ 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 जो होने. जी एसी को भाई ऊपर करने इनके विंग्स. ये देखा शुरू हो गया. कंपनी लीज पेमेंट्स बताएं. वर्किंग वन लीज पेमेंट्स 100 कहां से हो गई, खुदा का खौफ करें. 0 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे ना खुदा के लिए थोड़े से बड़े हो जाएं. मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए लीज पेमेंट्स की. मार्कर भी लाना है और ये वाला ऐसी करना है. मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए लीज पेमेंट्स की. बट प्लीज किस दिन ऑन 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 1 जनवरी 2019. मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए लीज पेमेंट्स की ऑन 1 जनवरी 2019. नोट करें. ये कर गया एसी. अच्छा करके गया, नहीं करके गया भाई जान. एसी सही करना था यार. और मार्कर ला दो, मार्कर ला दो. अच्छा जी डिस्काउंटिंग क्या करेगी इंश्योर? डिस्काउंटिंग इंश्योर करेगी कि पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे ला के छोड़ दे. ये हमारी डिस्काउंटिंग इंश्योर करेगी. अनलकीली इसको कहते हैं भरे बाजार में अकेले छोड़ के चले जाना. बोले भरे बाजार में अकेले छोड़ के चले जाना. हम जब डिस्काउंटिंग करेंगे ना तो पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके ये डिस्काउंटिंग हमें छोड़ देगी. हम पीवी किस दिन की चाह रहे होंगे? 1 जनवरी 2019 की. वो किस दिन की दे देगा? 1 जनवरी 2020 की. 1 जनवरी 2020 बोलो, 1 जनवरी 2020 की. चलें करें जी. 100 × 1 - प्लीज सीखने आराम से, कैलकुलेटर हाथों में हो. कितने दफा 100 नजर आ रहा है? 1, 2, 3. डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर यार बातें तो इस तरह फिर डिस्टर्बेंस होगी ना. ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपको कहां लाके छोड़ेगा? ये फैक्टर आपको लाके छोड़ेगा 1 जनवरी 2020 को. अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हम इस फैक्टर को पकड़ेंगे और इस फैक्टर को पकड़ के लेंगे ब्रैकेट में. इस पूरे फैक्टर को ब्रैकेट में लेंगे. पहले जरा इस फैक्टर का एहतियातन जवाब बता दें. कोई खास फायदा नहीं होना इसका. 249. ये इस ब्रैकेट का जवाब है. इस ब्रैकेट का जवाब है 249. अब मुझे बताएं क्या ये 249 कई टाइम्स है या एक 249 है? तो अगर पेमेंट्स एक से ज्यादा हो तो एनओटी का फॉर्मूला लगता है. अब यू कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एनओटी. क्यों? क्योंकि एनओटी का फॉर्मूला ये कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स 249 आपको कितना नजर आ रहा है. इधर तो नंबर ऑफ टाइम्स 100 नजर आ रहा था तीन दफा. अब सादा सा कोई तरीका बता दें. ऐसी जिंदगी किसी मोड़ पे कोई सवाल आया कि साल बाद, ठीक है आपको समझ आ गया, एक मिनट मुझे बाकियों को बता लेने दें कि साल बाद किसी बंदे को 249 मिलने हैं, इसको डिस्काउंट करने का तरीका बता दें. इसको यहां से पकड़ के एक साल पिछले, बस ये करना है. अब
ये जो 249 जवाब आया है, ये कैलकुलेटर पे कोई निकालने की अलग से पेपर में जरूरत नहीं है, इसको आपने मजीद पीछे लाना है। लेकिन बता दें कितने साल, एक पीरियड पीछे ले आना है। डिस्काउंट रेट साल का है तो ये एक पीरियड पीछे ले आएगा। 1.1 रेस टू पार माइनस वन। नाउ माइनस वन इज नंबर ऑफ years between this date and this date. This is one year only. आप जवाब बता दें। अब इंशाल्लाह जो 226 से मोटिवेशन शेड्यूल बनेगा ना, वो जाके करेगा टैली, वरना टैली नहीं करना था मोटिवेशन शेड्यूल। अब हम 226 से सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। और 226 क्या चीज है? इसको मैंने कहां बुला लिया है? इधर। ये फाइनल डायग्राम बनी ना भाई, हम आज अगली और पिछली लोगों का कसूर है। अब मैंने एक एक करके निकालना शुरू करना है लोगों को, और मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं खुद निकलूंगा, सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। वर्किंग नंबर टू, थोड़ा सा ना बैलेंस के कॉलम के आगे थोड़ी सी जगह छोड़िएगा, एक छोटी मोटी चीज लिखनी है, हल्की सी जगह बस। जी अब दिन बता दें, पहला 19, यकम जनवरी 19, 31/12/19। ना 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 ना, प्लीज लॉन्ग जंप नहीं मारनी, वरना इंटरेस्ट नहीं निकाल सकेंगे एक साल का। 31/12/19 एरियर में कराया, जीरो। 31/12/19 को कराया, जल्दी बोलें, जीरो। 31/12/20 को, 31/12/21 को, 21. ये क्या चक्कर हुआ फिर? 20, 21, 22। अच्छा जी, अब पेपर में ये वाले डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होगा, ये वाले डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होगा, इसलिए यहां से डिस्काउंटिंग सीखें, यहां से डिस्काउंटिंग सीखें। ये जो फॉर्मूला है, ये क्या करेगा देखें, इधर इधर से जरा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देगा, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देगा, क्लियर? यस सर। प्लीज इधर 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 प्लीज, जहां मैं प्रोसेसिंग आपकी आउट हुई मसला होगा, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देगी डिस्काउंटिंग। एक पीरियड पीछे लाके छोड़ी थी हमने, क्या निकाला था जवाब वैसे? 249। अब हमने 249 को, अब दर्जी वाला काम करने की जरूरत नहीं, बस इसमें अरसा गिना करें, कितने साल हैं? एक साल। 249 को कितना अरसा पीछे लेके जाने? तो रेस टू पार माइनस माइनस वन, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ हंड्रेड्स आर देयर? थ्री। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया कि 100 को एनओटी का फॉर्मूला लगा के रेस टू पार माइनस 3 किया, तो इन सब ने हमें कहां लाके छोड़ा? 31/12/19 पे। और 31/12/19 और यकम जनवरी 19 के दरमियान गिने एक साल। अब जरा मेथोडोलॉजी देखें सारे, कितनी दफा 100 नजर आ रहे हैं? रेस टू पार माइनस, कितनी अरसा, कितना अरसा 249 को पीछे लाने है? एक साल। रेस टू पार माइनस वन, बस ये दो क्रिटिकल चीजें हैं, माइनस थ्री इधर आने, इधर माइनस वन आने। और एक वो जो सुबह सुबह बात सीखी थी, डिस्काउंटिंग पेमेंट्स को पहले पीरियड से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ती है। तो अपने सॉल्यूशन के ऊपर अगर इस तरह आप डायग्राम बना लें, जहां आप डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम डाल रहे हैं, रजिस्टर पे अपने खुला खुला करके जरा नोट करें।
249, नहीं नहीं गोली नहीं, लिखना जरूरी नहीं वैसे 249। अब इंशाल्लाह अगले सवाल आप खुद करेंगे ना, तो फिर जरा अंदाजा हो जाएगा। एक सवाल में मैंने डिस्काउंटिंग करवाई है अभी। उधर ही रखो कैमरा। चलें जी ले आए। अब प्लीज कैलकुलेटर आपके हाथों में होने चाहिए, फिर अगली क्लास का पूरा मजा आएगा। कैलकुलेटर हाथों में हो। 226 का इंटरेस्ट नहीं रहने दें, पॉइंट्स में 23 जी इंटरेस्ट तो बनेगा साल का, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा इस्तेमाल और मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इंटरेस्ट जीरो बुक करें। इंटरेस्ट पे कितना किया? पे एक्सेलेंट जीरो, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि इधर मिसाल दे रहा हूं अगर इधर प्लीज अटेंटिव, अगर इधर 25 रुपए पड़ा हो ना, तकरीबन आपने मुझे सिर्फ 15 मिनट अटेंशन से देने हैं जब मैं ये एंट्री करवा लूंगा, उसके बाद अगले तीन सवाल रिवीजन है, सिर्फ 15 मिनट अटेंशन से दे दें। अच्छा अब क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले इधर इंस्टॉलमेंट पड़ी होती थी, अगर मिसाल के तौर पर 30 रुपए भी पड़ी होती थी ना, तो हम मजे से कहते थे कि 30 में 23 इंटरेस्ट पे कर दिया और 7 क्या पे कर दिया। अब पड़ी कितनी हुई है? जीरो। तो अब इसमें कितना इंटरेस्ट पे किया है? जीरो। तो प्रिंसिपल तो दूर की बात है, पे करना, मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, तो कितना प्रिंसिपल पे किया? जीरो। अब बैलेंस के कॉलम में कितना जाएगा? अब आप ना इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे, अब आप इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे। रीजन इज व्हाट वाज पेबल ऑन यकम जनवरी 19, 226, 226। What was payable and what is now payable? Was payable, opening payable 226, further payable 23, payable plus payable is equal to payable। तो अब आप छोटी सी जो जगह छोड़ी हुई है 226 जमा 23 जी, इसको शायद कंपाउंडिंग कहते हैं कि इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। आगे बस चल सो चल, आगे तो कोई मसला नहीं, आगे साथ साथ प्रिंसिपल भी पे हो जाएगा ना, इंटरेस्ट भी, आगे मसला नहीं। पहली एहतियात बताएं जी, अगर इंटरेस्ट पे ना हो तो कम पाउंड कर लें। अब इंशाल्लाह अब उम्मीद है मुझे जीरो आ जाएगा, अब सारी चीजें हमने एहतियात कर ली हैं, अब जीरो आ जाएगा। मटर 249 इंटू 10% 25 174 इंटू 10% 17 83 90। ये सिलसिला जो आज हमारा शुरू है ना हफ्ते का, इसको इंशाल्लाह किसी तरह बरकरार रखेंगे पास होने तक, ताकि हम कुछ ना कुछ लगे रहें दिन रात। 9 ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। क्यों लेट हो गए भाई आप? आंख लग गई थी। बोलें जी 226 31 12 19 19 के साल का इंटरेस्ट ढूंढें, 19 के साल का इंटरेस्ट 23। इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री खुद ही कर लीजिएगा, वो छोड़ें, मैंने की हुई है सॉल्यूशन।
वजह भी तो बताना किस वजह से ऑन किया था। अच्छा अब मोहतरम आपने अगली एंट्री समझनी है। जी जी वो ना अगली एंट्री में आपको समझ आ जाएगा, अगली एंट्री में समझ आ जाएगा आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगली एंट्री में देख लो समझ आ जाएगा। चीज़ों को बदलते नहीं है, कोशिश करते हैं हम पुरानी जैसी रहें। आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, शुक्र है आप पहुंच गए हो, बरकत के लिए आखिरी कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद बस रिवीजन। ये एंट्री अब आपने समझनी है, बड़ी आसान सी एंट्री है, अब थोड़ा सा फोकस करना है। एंट्री में भी थोड़ा सा कुछ होगा, पुराने तरीके से एंट्री करवाएं पहले, पुराने तरीके से एंट्री करवाएं पहले, बिल्कुल पुराने तरीके से एंट्री कर लें, फिर भी इंशाल्लाह पेपर में आधे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। पुराने तरीके से पहले एंट्री करें, कैश क्रेडिट 100, लीज लायबिलिटी डेबिट 75, इंटरेस्ट एक्सपेंस 20, और ये 25 साल का इंटरेस्ट है, बी कॉन्फिडेंट, कोई गलती नहीं की। ये एंट्री करके इंशाल्लाह अगर इस एंट्री के उसने 1.5 मार्क्स रखे हुए तो आपको एक मिल जाना है, एक नंबर आपको मिल जाना है। लेकिन इस एंट्री का नुकसान ये होगा कि ये पेएबल फिर हमेशा पेएबल ही रहेगा, ये वाला पेएबल फिर पेएबल ही रहेगा हमेशा, पता नहीं ये कब पे होगा, ये पेएबल पेएबल ही रहेगा। हालांकि ऐसा है नहीं, असल में अब आपको लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी और इस पेएबल को पे कराना पड़ेगा। तो लीज लायबिलिटी मैं निकालने लगा हूं बैलेंसिंग, और इस पेएबल को डेबिट करके मैं क्या करा रहा हूं पे, क्रेडिट करके लायबिलिटी बुक हुई थी ना, डेबिट करके पेएबल को मैं कम कर रहा हूं। लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग निकालें 52। अब एक सवाल अराइज होगा कि हमें लग रहा है कि हमने लीज लायबिलिटी पे की है 75 और आप कह रहे हैं कि हमने लीज लायबिलिटी पे की है 52। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मोहतरम इसलिए कि मैंने वहां पर, जरा फोकस कीजिएगा, वहां लीज लायबिलिटी जो कि एक प्रिंसिपल टाइप चीज है, प्रिंसिपल टाइप चीज है, उसमें इंटरेस्ट टाइप चीज को मजबूरन डाल दिया था, इंटरेस्ट टाइप चीज को, ये तो प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल टाइप चीज में, हालांकि प्रिंसिपल सिर्फ इसके बराबर होता है ये सारा, तो मैंने प्रिंसिपल की तरह की चीज को, वैसे तो 300 है प्रिंसिपल, सिर्फ 226 है, तो प्रिंसिपल टाइप चीज में इंटरेस्ट टाइप चीज डाल दी थी, जिसकी वजह से मजबूरन मेरा प्रिंसिपल शूट अप कर गया था 249। लेकिन ये ब्लंडर में एंट्रीज में नहीं मार सकता कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट को डगमग कर दूं, इधर मैंने कर दिया है, गड़बड़ कर दी है इधर, तो प्रिंसिपल टाइप चीज में इंटरेस्ट टाइप चीज डाली। अब शायद ये प्रिंसिपल पेएबल भी है और इंटरेस्ट पेएबल भी है, इसमें मैंने 23 क्या डाला हुआ है, 23 इंटरेस्ट। अब जब मैं प्रिंसिपल पे करूंगा तो फौरन मैं अज्यूम करूंगा वो वाला 23 तो पहले पे करो, क्यों प्रिंसिपल में डला हुआ है, प्रिंसिपल से ही रूट कराएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की तो और ज्यादा संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। डाला, अच्छा आपने किसी की जेब से कोई चीज निकाल ली, अब आपने पूछा भाई जी ये क्यों निकाल ली, आप कहेंगे इसलिए कि मैंने खुद डाली थी, आपको कैसे, आपने क्यों हिम्मत की उसकी जेब से निकालने की, आपने कहा इसलिए कि मैंने खुद जाते हुए उसकी जेब में गुब्बारा डाला था, वन मैंने डाला था मैंने निकाल लिया। अब मैंने लीज लायबिलिटी में इंटरेस्ट डाला जानबूझ के, लीज लायबिलिटी में इंटरेस्ट डाला 23 रुपए का भाई दर्द देते मोहम्मद हुसैन भाई जान इधर, मैंने लीज लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल खुद डाला 23। अब जब वो मैंने डाल दिया तो जब ये प्रिंसिपल पे हो रहा था ना, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी नोट करें ऐसे ही जरा तंग करने के लिए, 75 जमा 83 जमा 91, ये 226 नहीं आएगा पहले आता होता था, करें जरा 75 जमा 83 जमा 91, 249 टाइप, ये कोई ये वो नहीं आ रहा, ठीक है, तो
तो इसका मतलब 249 और 226 का डिफरेंस लें तो ये 23 आ रहा है। तो इसलिए मैंने जबरदस्ती अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में किस चीज को डाला, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को डाला। तो जब मेरा प्रिंसिपल पे हुआ तो ये इस काबिल हो गया कि साथ यहां किसकी पेमेंट हो जाए, इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाए। ये तो थोड़ी सी लंबी बहस थी, इस चक्कर में जाने की हमें इंशाल्लाह पेपर में जरूरत नहीं, हम तो सादा सादा सी एंट्रीज करेंगे, हम सादा सादा सी एंट्रीज करते हैं। क्या कैश कितना पे हो? ना 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 भाई, क्या मसला है? कैश कितना पे हो रहा है? 100। थोड़ी सी 75 को जरा छोड़ें, 75 को छोड़ें। खर्चा कितना है हमारे साल का? 25। कितना पेबल पेबल था? कितना पेबल पेबल था? पेबल को पे करें, पे हो रहा है ना, पेबल को पे करें। बस एक छोटी सी एहतियात, लीज लाइबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लें, लीज लाइबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लें। वो मैं करूंगा उस लेवल की, अगर टेस्टिंग मैं अभी नहीं कर रहे, अभी हम बैलेंस शीट की तरफ नहीं जा रहे आज। 52 जी मात्र। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, सो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग इट नाउ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। स्टेप्स बताए, नंबर वन कैश कितना गया, सो खर्चा कितना, पेबल को पड़ा रहने दें या पे कराएं, पेबल डेबिट, बैलेंसिंग लीज लाइबिलिटी। हाँ वो बाय डिफॉल्ट वो फिर डिस्काउंटिंग ने भी इंश्योर किया है, वो है, उसको अब कोई हल नहीं है, वो है। हाँ 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 है, अब क्या करें, कुछ नहीं होता। तो उस पे निकला ऑब्वियसली, जो 249 पे आपने निकाले ऑटोमेटिकली निकला है, लेकिन अब उसको कितना कंपोनेंट किस में है ये वाली बाइफरकेशन नहीं सोचनी। नहीं नहीं, बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन किसी दिन करेंगे, अभी सिर्फ आज जनरल एंट्रीज हमने करनी है, चीज को मत करो। 23 बाय डिफॉल्ट तो वैसे करंट लाइबिलिटी है ना, अगले साल पे हो जानी है। उससे अगले साल कोई मसला नहीं है, अगले साल की एंट्रीज मैंने सॉल्यूशन में की हुई है, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अगले साल आगे कोई मसला नहीं है। चले, क्या चीज? डेप्रिसिएशन 2 to 6 पे, डेप्रिसिएशन 2 to 6 डेप्रिसिएशन सॉल्यूशन में हुई भी है। अगला सवाल जी, क्वेश्चन 32 किताब में किस पेज पे है? 92। चलें जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं किसकी एलपी और पीवी निकाल लें। पहले कैमरा उधर रखो 1-2 मिनट, जरा किसी ने अगर नोट करना है तो। बल्कि कैमरा उधर ही रखो, एलपी और पीवी निकाल लें अगले क्वेश्चन की। चले 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 जल्दी है। हाँ बहुत लंबा काम है, टाइम लग जाएगा, कर आ जाएगी, आ जाएगी। फिर आप इसमें 100 को 2 साल पीछे लाएंगे, इस 100 को 3 साल, उस 100 को 4 साल, हो जाएगा।
इसको समझाया यहाँ तक? या चलो अगले में समझ लेना। मोहतरम इसमें मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। एनओटी का फॉर्मूला तब लग सकता है जब पेमेंट सेम हो ना। बी कंपनी है कोयडा प्लांट ऑन जकम जनवरी 2019। अब्दुल्ला मिटा दें व्हाइट बोर्ड, आज व्हाइट बोर्ड ही मिटा दें। ओहो हो हो, आप करो ना काम, उसने तो कर लिया है एफ आर टू पास। बी लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन जकम जनवरी 2019, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। लीज टर्म 3 साल, डिस्काउंट रेट 10%, अंडर एग्रीमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ। ओ एकदम आप पेपर में है, लीज 3 साल, ओ रेंटल 2, ओ बस। मुझे पता है आपके पास बहुत वर्जन अवेलेबल हैं, मेरे पास भी है, लेकिन मैं अब टीचर होने की वजह से उनको। अच्छा, अंडर द एग्रीमेंट टू ऑफ 100 एंड आर टू बी पेड इन एरियर्स ऑन 31 दिसंबर 2020। जब फिगर्स को मैनुअली डिस्काउंट करना हो ना एक एक करके, आप बता दें कितना अरसा है दरमियान में। इस फिगर को 2 साल पीछे ले आए, इस फिगर को 3 साल पीछे ले आए, दैट इज मैनुअल डिस्काउंटिंग। कैमरा उधर ही रखो। लीज पेमेंट 0 प्लस 100 180। पिछले कॉन्सेप्ट में हल्की सी भी कोई कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह यहां रिमूव हो जानी है टेंट एवरेज। अब आप ऐसा करें, 100 को रेस टू पार माइनस 2 करके, और 80 को रेस टू पार माइनस 3 करके पीछे ले। पीवी ऑन यकम जनवरी 19 1.1 रेस टू पार माइनस 2। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है हमारी रिक्वायर्ड जगह पे लाके छोड़ेगा। ये अब वो डिस्काउंटिंग नहीं हो रही एनओटी वाली। उत्तर अब ये ना समझना कि ये कोई चीज यहां लाके छोड़ देगी, यहां लाके छोड़ देगी, इसको फिर दोबारा आगे लेके जाना पड़ेगा। वो तो तब होता जब ये पेमेंट्स कांस्टेंट होती और फॉर्मूला एनओटी का होता। तो मैंने कहा था एनओटी का फॉर्मूला एक पीरियड पीछे लाके चीजों को छोड़ता है, इट इज नॉट एनओटी का फॉर्मूला। मुझे ये फील हो रहा है कि सवाल की फिगर्स ऑलरेडी हमारे हाथ में है, ये हमारे साथ कुछ कर नहीं सकती, हमारे हाथ में है। तू बस 2 साल पीछे आ, चुप कर बने चपेड़े हैं, और तू कितने साल पीछे आ, 3 साल। तो ये अल्लाह का शुक्र है हमें लाके भरे बाजार में इन्होंने खड़ा ही नहीं किया। हमारी किस्मत भाईजान कैमरे में डालो पानी और कैमरे का रुख उस तरफ कर दिया करो जो बोल रहा हो, शुरू कर दिया करो। वाटर गन बन जाए, वाटर गन लगाओ कैमरे के नीचे। यार तुम लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया हुआ पीछे अपना, कौन सी जगह? ठहर जाओ यार, मुझे उससे बात कर लेने दो। मसला क्या तुझे, कौन सी जगह छोड़नी है? हाँ वो छोड़ा हुआ है ना, ये पूरी क्लास में छोड़ना है एंड तक, आखिरी सवाल तक आज की क्लास के लिए। अच्छा आप ऐसा करें ना, पहले ना डिस्काउंटिंग की इधर से भी आदत डालें कि डिस्काउंटिंग इधर कैसे करनी होती है। 31/12/19 को रेंटल पे नहीं हो रहा क्योंकि 20 में पे हो रहा है और 21 में। इधर से ना, इधर से इधर देखे हाइब्रिड वाले आप इधर, ये कितने साल है? रेस टू पार इधर ऐसे ना गिने, वैसे जबानी गिने, 19 20
ये मैंने आपका विजन क्लियर कर दिया, पहले आपका विजन क्लियर नहीं था। 19, 20, 21 कितने साल पीछे बुला रहे हैं, यहां से आदत डाले हैं सब चीजों को करने की। तो डायग्रामे बनाने का पेपर में टाइम नहीं होगा, डायग्रामे घर आके बना लीजिएगा। अच्छा, रेज टू पावर माइनस टू, रेज टू पावर माइनस थ्री, चले जी। जीरो। अब हमाद क्यों बोले उससे, तुमने खड़े हो जो, खड़े हो जो, आज जाके तुम्हारे भी जोर निकलना मेरा आज। 140 + 14 जी जी मोहतरम, ये टू इंस्टॉलमेंट में 300 के लिए लिखा है, तो ये यहां पे टू इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 and 80 आर टू बी पेड इन एरियर्स। अच्छा, दो किस्तें नहीं है, बस दो इंस्टॉलमेंट। आगे डेट भी देखो ना, ऑन 31 December 2020 ऑन 31, का मतलब ये नहीं कि दो दफा 100 या दो दफा 80। लीज है 3 साल की, इंस्टॉलमेंट्स दो पे करनी है, दो ईच नहीं लिखा हुआ कुछ, दो किस्तें ऑफ 100 and 80। क्लियर हुआ, शुक्रिया। वो फिर डेट्स भी अलग से बताता कुछ, फिर तीन डेट्स देता ना, हाँ फिर एनटी वाला लगा लेते। बहुत छोड़ो यार, वो अजीब से सिनेरियो को बनने की कोशिश कर रहे हैं कि दो दो एक डेट्स को, सिंपल सिंपल बस छोड़ें आप, जो कुछ भी होगा अगले सवालों में डिस्कस हो रहा है। बस सवाल क्या है, 100 की 31 12 20 की है और 80 की 31 12 21 की है, ठीक है। इसके बाद 200 इधर आ जाए, कोई 100 इधर आ जाए, बीच में 80 आ जाए, तो अभी मैं अगले सवाल में दिखाऊंगा जहां जहां एनओटी लग सकता हुआ हम कोशिश करके लगाया करेंगे। सब्र कर दें, सब्र कर दें, अगले सवाल आने दें, इंशाल्लाह खुद ही चीजें एड्रेस होंगी। अब आप यहां पे ना टोटली रिलैक्स हो जाएं, एंट्री में एक फटान है, वो इंशाल्लाह देखेंगे, वही जो पहले आया, वही जो पहले आया, यहां तक नॉर्मल तरीके से चले। जीरो, चले जी। अब पहले 2 साल की एंट्रीज करते हैं, मैंने बिठाया और वो बैठ ही गया आज, अफसोस में कंपनी बैठ गई। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 143। साथ लोगों की जिंदगी किसी मोड़ पे तुम भी मुस्कुरा दिया करो। अच्छा जी, 19 के साल का इंटरेस्ट, 19 के साल का इंटरेस्ट 14, डिविडेंड की एंट्री खुद ही कर लीजिएगा। इकतीस बारह बीस मोहम्मद हुसैन सीए करो। जी 100। स्टेप वन कैश क्रेडिट, स्टेप टू ये किस साल का इंटरेस्ट है, 20 का, कितना, सोलह। अब जो लीज लाइबिलिटी अगर आप गलती से 84 डेबिट कर देंगे तो कोई आधा नंबर कट जाएगा, तो सादे नंबर को सेव करने के लिए ताकि 49.5 से 50 पे हम पहुंच जाएं, मुझे ये बताएं पेबल कितना रिकॉर्ड हुआ था, कितना खत्म कर दें, इंटरेस्ट पेबल 14 से खत्म कर दें। अब लीज लाइबिलिटी दिखने में कितनी नजर आ रही है, लेकिन आपने इस चक्कर में जाए 7। असल में हमने गलती से किसी की जेब में 14 डाल दिया था, तो अब वो 14 यहां से निकाल भी दें और बैलेंसिंग किस में ले जाएं, लीज लाइबिलिटी। अगला सवाल,
जी सॉल्यूशन की तस्वीर, सॉल्यूशन इंशाल्लाह इसी फॉर्मेट में ना किताब में अवेलेबल है, इसी फॉर्मेट में किताब में अवेलेबल है, इसी तरह हमने सामने डब्बे बने हुए हैं, ये किताब का ही सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 33 किस पेज पे है जी? 93। चलें जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इट्स आ नहीं बोलना चाहिए था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। तो एक से दो मिनट ले लें, पीवी निकाल लें, बीवी नहीं, वो अभी टाइम नहीं आया, पीवी नहीं आएगा भी नहीं, सचिव जी रमजान कबूलियत क्यों कहते हैं, ऐसी बातें ना बोला करो, छोटी सी जिंदगी है उसकी, तुम डरा रहे हो उसको। हदीस में बड़ी वईद आई है उस शख्स के बारे में जो ये कहे कि मैंने शादी नहीं करनी। चले 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 चले, वईद आई है, डांट, जल्दी जल्दी कोशिश करें। हाँ उसमें कैसे किया था आपने? दो साल पीछे किया था, इन दोनों को किया था ना उसको। हाँ 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 हाँ, एक्सेलेंट, सही है सही है। लेकिन थोड़ा सा लंबा काम किया आपने, जब अलग अलग फिगर्स में इकट्ठे ले आओ। वेल डन वेल डन, बहुत से लोगों ने पीवी निकालने भी शुरू कर दिए, बस टाइम सेव करें इंशाल्लाह, ताकि पौने पाँच तक आपको फ्री कर दिया जाए टाइमली। पीवी 576, और जी कोई पीवी? 576, दो लोगों के आगे 642, इतना डिफरेंस आ रहा है, ये पीवी में मसला है। इंटरेस्ट है 10% ले लिया इन्होंने, तो 10 ही है। नहीं मिटा दो सारा, फ्रेश करेंगे। आप हाथ खड़ा करें 643 वाले, चलें बाकियों को टाइम दे दें, फिर एक दो मिनट ले लें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं जी, जल्दी करें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। यार गाड़ी रेडी रखना, 45-50 643 वाले हाथ पर शेड्यूल बनाए, एंट्रीज करें। किसी को भेज देंगे, आ गई, चलो 43 आ गया, शेड्यूल बना दो इसको, फिर यार समझाना है उसने, तूने रात लगानी है। हाँ
सी कंपनी अक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जकम जनवरी 19. फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल. अंडर द एग्रीमेंट 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 220 आर टू बी पेड इन एरियर्स ऑन 31 दिसंबर 2019, ऑन 31 दिसंबर 2020, ऑन 31 दिसंबर 2023, ऑन 31 दिसंबर 2024. पहली किस्त पे होगी, दूसरी पे होगी, तीसरी चौथी पे नहीं होगी और पांचवी छठी पे होगी. ना भाई खामोश. ये ना आखिरी 3 रोज पे स्पेसिफिकली नजर रखो. नहीं, आज वो काम करें जो फिर पेपर में करना है ताकि आदत पड़े. डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट में डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाकर फिर आज डिस्काउंटिंग करेंगे. जो काम पेपर में करना है, डायग्राम में शायग्राम में नहीं बनानी. आज आप फिनिशिंग टच दे दें, पता चले आई कैप कह दे ईद के बाद लीज और IS-41 का बस पेपर दे दो. आके आपने इस तरह पढ़ना है ईद में, ईद की छुट्टियों में. सीरियसली बता रहा हूं. और सलाम है उन लोगों को जो ईद के दिनों में ये लेक्चर ले रहे हैं. अल्लाह अकबर ऑनलाइन वाले. अच्छा जी, वो शायद बड़ी ईद की छुट्टियों में समझ रहे हो के पढ़ना है. भाई ये छोटी ईद की बात हो रही है. 1 जनवरी 2019 बैलेंस ना ना. मैंने तो अभी डिस्काउंटिंग नहीं की. यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि पेपर में डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम पहले बनाना है. अच्छा जी, अब ये दोनों तो अल्लाह का शुक्र है बंदे के पुत्र हैं, दोनों ही बंदे के पुत्र हैं. इनको जब आप डिस्काउंट करेंगे इधर से ज्यादा अच्छा, इनको जब आप डिस्काउंट करेंगे तो ये दोनों यहीं पे आ जाएंगे, एक पीरियड पीछे आ जाएंगे. तो इसलिए इनकी तो टेंशन ही नहीं, ये हमारी रिक्वायर्ड जगह पे खुद ही आ जाएंगे. तो ये वाला 220 और ये वाला 220, इन पेनल्टी हम लगाते हैं ताकि ये डायरेक्ट दोनों इस जगह पे आके खड़े हो जाएं. इनमें फिर कोई टेंशन नहीं आ गई. 220 कितनी दफा नजर आ रहे हैं, 1 - 1.1 raised to power - whatever the total may be, leave it. और इसको ब्रैकेट में लेके किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं करना. ये भी बड़ी बात है, इसके ब्रैकेट में लेके किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी किस दिन पहुंच गया है, ये कम जनवरी 19 को. अच्छा एक तरीका वो भी है, सबको मैनुअली अकाउंट पीछे ले आए, सबको मैनुअली. लेकिन अगर डेटा फिर ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, 10 साल हुए तो क्या करेंगे. इसलिए मैनुअली वाला काम हर हर जगह चल सकता है लेकिन यही फिर करते रहेंगे पेपर में. तो मैनुअल डिस्काउंटिंग की तरफ ना जाएं. ये वाली डिस्काउंटिंग्स कहां लाके छोड़ेंगे जरा चीजों को, आप मुझे बताएं. इन पे अगर मैं एनओटी का फॉर्मूला लगाऊंगा
एक एक कोई नहीं छोड़े, बस 31, 12, 22 एक पीरियड पीछे ला के छोड़ देंगे चीजों को। 200 pieces into 1 minus 1.1 raised to power -2 is number of times 220 is appearing divided by 0.1. But you don't need a red marker because they needs to be discount further. ये कोई फॉर्मूले में ऐसा जादू नहीं है, ये खुद ही एकम जननी 19 पे चीजें ले आए, अकल लगानी होती है। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया एक पीरियड पीछे। अब प्लीज अब दर्जी वाले काम से भी बाहर निकल आए, बड़े हो गए हैं। पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, इसको चार पीरियड्स पीछे ले आए, चार पीरियड्स। पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22। इसमें ये मैं देख नहीं रहा, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं 19, 20, 21, 22। ये फैक्टर वेरी क्रिटिकल है, ये लोग गलत लगा देते हैं। रेस टू पार माइनस 4 इंटू 1.1 रेस टू पार माइनस 4। अब सारे का एक ही दफा ग्रैंड टोटल 643। भाई आपसे तो हमारी दोस्ती होगी भी है, अनअर्न इंटरेस्ट बताओ, अनअर्न इंटरेस्ट। चलो आप बता दो, आप तो उसको देख रहे हो कि वो बता नहीं रहा। अनअर्न आप बता दो, अनअर्न इंटरेस्ट, ये तो क्लास क्लास का लाइक बच्चा है। अनअर्न इंटरेस्ट बताओ, भाईजन वो लेसर के लिए लफ्ज है, ये लेसी के सवाल हो रहे हैं सॉल्व। इंटरेस्ट का लफ्ज बोल सकते हैं, अनअर्न इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अनअर्न इंटरेस्ट इनकम होती है, ये अनअर्न नहीं है। कोई अनएक्सपेंस्ड इंटरेस्ट शायद लफ्ज कोई नया निकाल लें अकाउंटेंट साहब जैसे आने वाले जमानों में, तो अनएक्सपेंस्ड इंटरेस्ट है ये, लेकिन अनअर्न इंटरेस्ट नहीं है। ओके और ये डायग्राम से भी देख लें, आप इधर आए, आप इधर आए, आप दोनों को चार्टर तैयार करा के 4 साल पीछे लेके जा रहे हैं। नाउ यार तू कैमरे में घुस जा, वैसे ही घुस जा कैमरे में मोहम्मद हुसैन। बैलेंस 316 पुराना पेएबल था, चेहरा आंखें दिल दिमाग तन मन धन, इधर पूरा जिस्म कान बन जाया करे क्लास में। 316 जमा 32 348, कैलकुलेटर हाथों में 35, अगेन इंटरेस्ट 0। अब आप पुराना पेएबल पुराना जमा 383। अच्छा डबल डबल ऐड नहीं करना, वो 348 में 32 पड़ा हुआ है, 348 में आप 35 ऐड कर देने, तो ये भी जरा ध्यान रखना क्योंकि इस सवाल में ऐसा है ना, दो रेंटल ही मिसिंग है इधर, तो डबल डबल ऐड नहीं करना आगे, तो बस आगे कोई फायदा नहीं। आ गई है ओके, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट।
चुप 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 आप घर में वो बोले बच्चे तो नहीं शुमार होते जो मेहमानों के सामने घर वालों की बिस्ती का नहीं तो मेहमानों के सामने बिस्किट खाना शुरू हो जाते हो, अभी उठ के जाते नहीं है, वो जूता लेने वापस आते हैं, मोबाइल लेने तो बच्चा लगा होता है 31-12-21 थोड़ा सा हौसला रख लिया अगर थोड़ा मेहमानों की तरफ बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट कर लेने। अच्छा जी कैश जीरो, तो आप सिर्फ 21 के साल का। अच्छा इधर से इंटरेस्ट शुरू कर देते हैं जरा खुला खुला करके, ये 31-12-20 भी हमने साथ ही रगड़ दिया है, रियर एंड 31-12-20 31-12-21 चले जी 31-12-21 इंटरेस्ट कितना है 32 कह रहे सुबह का रोजा रखा हुआ तो बाकी ने दोपहर को रखा था क्या लोग 32। अच्छा जी अब बच्चों को आप मैं रोजे में एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो मैं आगे बच्चे ने फिर मैं ही शुरू हो जाना हर चीज में मैं ये मैं वो साथ वाले से जरा मैं निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी उसको मैं ज्यादा करें ना तो उसे कह दिया कि बकरों में होती है वो भाई जान वो हमारी बात होगी भी अगर आप सारे एग्री करेंगे ना सारे तो फिर इधर ऊंट आएगा और इधर ऊंट जिबा सारे एग्री करेंगे सारे सारे डन डन पक्का कोई साथ मम्मी डैडी बच्चों ने कहा हम ऊंट सी खाता हम वही चिकन खाएगा मुर्गी ब्रॉयलर जीयर एंड 31-12-23 अब ये एंट्री जरा देख ले सारे कैश 220 ना जवाब ना दिया करो कैश 220 इंटरेस्ट एक्सपेंस अब जरा थोड़ा सा अटेंटिव हो अनलकीली आप पेबल दो पड़े हैं तो दोनों पेबल्स को खत्म करना फौरन जरूरी है दोनों पेबल्स को लीज लाइबिलिटी जो भी आ जाए फिर वरना अगर कभी ऐसा हुआ ना कि फिर जो इतना इंटरेस्ट पेबल जितना मैं बताता हूँ ये क्या पूछ रहे हैं फिर मैं जवाब देता हूँ इंटरेस्ट पेबल 32 + 35 ये यहां से भी पता चल रहा है दो पेबल पे कराने हैं अभी तक किसी सवाल में दो किस्तें मिस नहीं हुई थी इस सवाल में दो किस्तें मिस हो गई तो दो पेबल पेबल थे लेकिन अब वो पेबल नहीं रहे अब एक भाई पूछ रहे थे अगर लीज लाइबिलिटी आए ना और नेगेटिव आ जाए तो फिर इंटरेस्ट बस जितना भी पेएबल होगा मैक्सिमम खत्म हो सका उसे कर दीजिएगा खत्म फिर अगले साल पुराना इंटरेस्ट भी पेएबल पे होगा ना कॉम्प्लिकेट ना करो हाँ फिर पहले पुराने वाले पेएबल को खत्म करेंगे बैलेंस शीट P&L बैलेंस शीट की तो छोड़ दें जरा बैलेंस शीट अभी हमने नहीं करनी कर लेंगे किसी दिन यही एंट्रीज की थी क्या चीज 24 में तो कुछ भी नहीं होगा अगर नहीं 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 साथ साथ सारा पे करें खत्म जैसे मौका है पहले इंटरेस्ट पेबल पे करने फिर लीज लाइबिलिटी इसी को इसलिए बैलेंसिंग लिख रहे हैं शुरू से चलें ये आखिरी सवाल
उधर ही रखो कैमरा। देखते हैं साथ वाला अटेंटिव है या नहीं। उसे कहें ऊंट के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं साथ वाला अटेंटिव है या नहीं। वैसे ऐसे करा था। हाँ आपका नाम क्या? इब्तिसाम। आपका? नुमान। इब्तिसाम का दिल चाहेगा नुमान की जन्नत में जाने को, मुलाकात करने को, साथ बैठता था तो डायरेक्ट एक घोड़ा आएगा जन्नत का, वो इसको बिठाएगा। ये भी नहीं कि ये जो है वो जिस तरह भी होगा वो उसको बिठाएगा और बिठा के डायरेक्ट इसकी जन्नत में ले जाएगा। जन्नत में जो नहरें होंगी वो उनके दाएं बाएं बाउंड्री नहीं लगी होगी, बस वो ऐसे ही फ्लोट कर रही होंगी ऊपर ऊपर। समझ आ गई होगी शायद, फिर ये जमीन का लेवल ऐसे ही ऊपर फ्लोट कर रही होंगी। एक दूध की होगी, एक शहद की होगी, एक ऐसी जिसमें नशा ना हो शराब, और एक मीठे पानी की होगी। लेकिन ये छड़ी से ऐसे ऐसे कर भी रहा होगा, कभी इसको उधर कर रहा होगा, उसको उधर कर रहा होगा। फिर जो ये जन्नत में दरख्त लगे होंगे उस पर जो फल होंगे, तो फिर ये फल लेने लगेगा तो एकदम थोड़ा सा झुक जाएगा, तो ये फल और झुक जाएगा, फिर ये और बैठ जाएगा, फिर ये फल और आ जाएगा। तो इस जितना जहाँ ये लेवल इसका होता जाएगा फल वहाँ तक जाता रहेगा, फिर उतार के जब जो है वो खा लेगा तो दोबारा रिफिल हो जाएगा फ्री सास। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। लेकिन साथ वाले को कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन 34 सुनी जा रहे, अगला काम नहीं। और एक बार याद रखिएगा, बहुत महरूम है अल्लाह की नज़र में वो शख्स जो रमज़ान के महीने में भी अपने आप को ना बदले। इतना बड़ा मौका उसको मिला, स्टिल ही मिस्ड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अब मुश्किल है फिर उसको अपॉर्चुनिटी कब मिले। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 2015। अब अपने गिरेबान में झांके, दूसरों को मत देखें। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म 3 years। मोहम्मद हुसैन इसी सवाल में भगन है भाई मेरे, सारी पेमेंट्स उसी तरह करनी है। इसकी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट, इसकी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट। एंड पे जब ये वाली पेमेंट आनी है तो कैश क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये दोनों वाले पेबल डेबिट। बैलेंसिंग फिगर लीज लायबिलिटी। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म इज 3 years। डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम। अंडर द एग्रीमेंट 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। मेरा तो नहीं ख्याल 3 साल में 10 इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए। 3 साल में तो तसल्ली से गिन के बताएं। 3 साल में, अच्छा 1 साल में, 1 साल में 4 क्वार्टर। अच्छा यार ये कभी भी ना ऐसे गड़बड़ ना कीजिएगा। 1 साल में क्वार्टर 4 होते हैं, 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 1 साल में 4 क्वार्टर, 2 सालों में 8 क्वार्टर और 3 सालों में। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि 2 क्वार्टर्स की किस्तें मिस हो रही हैं, 2 क्वार्टर्स की किस्तें मिस हो रही हैं। अब वो क्वार्टर अल्लाह करे हमें दे दे ताकि हमें पता चल जाए कि इन क्वार्टर्स की किस्तें मिस हो रही हैं। बज़ाहिर ये अजीब सा सवाल है कि 3 साल क्वार्टर की 10 किस्तें, तो 12 होनी चाहिए थी। चले आगे बढ़ते हैं। ईच आर टू पेबल इन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2016। थोड़ा सा ना एक माइंड में पिक्चर बनाए। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2016, मेरे ख्याल से सितंबर 15 वाली मिस है,
दिसंबर 15 वाली मिस है और मार्च 16 वाली पहली किस्त पे हो रही है, पहली दो मिस है, पहली दो मिस है। अब मैं आपकी आसानी के लिए डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम आपको खोल के दे रहा हूं, बाकी फिर पीवी इंशाल्लाह आप जरा निकाल दें, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम मेरे से एग्री कर लें पहले। लीज कब शुरू हुई? 1 जुलाई 15 को। पहला किराया मिसिंग, दूसरा किराया मिसिंग, पहला किराया कब पे होने? 31 मार्च 16 और मेरे ख्याल से हमारा साल खत्म हो जाएगा, तो मैंने इसको कलर कर दिया। नोट्स अपलोड करूंगा आज रात को, कर दूंगा रात तक कर दूंगा किस टाइम। तो पहला किराया, दूसरा किराया मिसिंग, तीसरा चौथा किराया पे होगा, पहला साल मेरा खत्म हो गया। दूसरा साल जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, अब 1 जुलाई 16 से आपको पता है दूसरा साल शुरू हो जाता है, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में, जून में, कितने किराए हो गए? 4 और। फिर अगले साल सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून। तो पहले दो किराए मिसिंग थे, पहले दो किराए मिसिंग थे, फिर उसके बाद दो ये, चार ये और चार ये। डिस्काउंट रेट पहले जरा मुझे बता दें, पर एनम दिया हुआ अनलकीली, इसके कई तरीके हैं, मैं जो आपको तरीका सजेस्ट करूंगा वो ये है, अगर 12 महीने का इंटरेस्ट ये है तो 4 महीने का नहीं, क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 3। अच्छा यार, जो लोग देखो ना, सबको एक तरीके से समझाने दिया करो, मेरे नजर में ये तरीका प्रेफरेबल है, ताकि अगर कभी सवाल आ जाए कि दो दो महीने बाद किस्तें पे हो रही हैं, तो फिर आप ये भी कर लें। अभी तो सवाल में 3-3 महीने बाद किस्तें पे हो रही है ना, तो अगर कोई करना चाहता है तो 12% के 4 हिस्से भी किए जा सकते हैं, वो भी जवाब 3% आता है। बट इस तरह जो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेट देम, एवरीवन कैन नॉट पिक एवरीथिंग, सो फॉर बीइंग, अच्छा मैं ये कह रहा था कि हर कोई हर चीज नहीं समझ लेता, तो आप एक कंसिस्टेंट पैटर्न यूज करें ताकि कोई मसला ना हो। कंसिस्टेंट पैटर्न क्या है? डिवाइडेड बाय 12 महीने कर दिया करें, मल्टीप्लाइड बाय किस्त कितने कितने महीने बाद पे हो रही है, 3-3 महीने बाद, तो 12% 3/12 पीवी निकालें जी। सबको निकालने दें, मैंने पॉइंट के बाद ना दो एक डिजिट रखना पसंद किया है, मैंने पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना पसंद किया है। इस डेटा आपके सामने है, जरा ट्राई करें पीवी निकाल के। भाई उस क्लास से उधर से अब्दुल्ला को बुलाएं। पॉज करो, मेरे ख्याल से अगर न्यूटन हमारे साथ आज होता तो वो ये कहता कि ये फिगर्स एक पीरियड पीछे ले आएंगे हमें। इज इट सो? डिस्काउंटिंग ये इंश्योर करती है, एनओटी वाली डिस्काउंटिंग ये इंश्योर करती है के उसके कॉलर के पीछे 420 लिख रहे हैं। हाथ दो भी इधर देख, क्यों उसके कॉलर तक गवर्नमेंट लेके गया है? मैं तो ये सोचूंगा डिस्काउंटिंग सारी पेमेंट्स को एक पीरियड पहली पेमेंट से पीछे लाके छोड़ देती हैं। अब वो वाली डिस्काउंटिंग मैं करने लगा हूं, 60 × 1 − 1.03 raised to power − 10 डिवाइडेड बाई 0.03, बट इट इज पीवी बोले ऑन 31/12/15। यस यस,
यस बी कॉन्फिडेंट गाइस, बी कॉन्फिडेंट। इट इज पीवी ऑन 31/12 मार्च तक, मार्च को पहली पेमेंट है ना, तो ये एक पीरियड पीछे ले आएंगी, एक थोड़ा सा पीछे लाके छोड़ देंगी यहां पे। इट इज पीवी ऑन 31/12/15 बट ये ना आप देखा करें दरमियान में क्या आ रहा है, कितने 3 महीने स्टिल अभी बीच में हमें नजर आ रहे हैं, 2, 6, 3 महीने आई एम गोइंग टू डाई, कितने 3 महीने नजर आ रहे हैं, वैसे गिन लेना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितनी दफा 3 महीने नजर आ रहे हैं, दो दफा 3 महीने नजर आ रहे हैं। आप इसको लाल छुरी पकड़ाएं, इसको इधर से लेके ऐसे इनटू, हां वो 1.03 रखना है आपने, डिस्काउंट रेट 1.03 रखना है। हाउ मैनी क्वार्टर्स या हाउ मैनी 3 मंथ्स आर देयर, क्योंकि हम खड़े यहां हैं, जाना यहां है, रास्ता कठिन है, मंजिल बड़े खूबसूरत है, तो आप बता दें 3 + 3 = 6 महीने यानी 2 क्वार्टर। किसके घर में रोजाना जन्नत और दोजख का जिक्र होता है, रोजाना 1, 2, 3, 4 रेज टू पार -2 रोजाना करने का एक है शॉर्टकट, अगली मंगल की क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे, वो जो 1:50 पे होगी। अच्छा चुप, तो वो कहते रोजाना ताज मिल साहब को बयान लगा के ऊंची छोड़ देते हैं हम। अच्छा इंटू 1.03 रेज टू पार -2 अब आप सारी की सारी डिस्काउंटिंग ओवरऑल बता दें, 480.4 पॉइंट मैं बताता हूं क्यों लगा रहा हूं, पॉइंट से मुझे इस सवाल में क्यों मोहब्बत है। 482.4 व्हाट इज दिस पीवी, दो यू डोंट हैव बीवी बट यू हैव पीवी, यू आर लकी। अच्छा 482.4 अब यार राउंड ना ठीक है ना करें, असल में इधर इंटरेस्ट ना इसे बराबर बराबर जाना था, 45, 47 वो ये दोनों राउंड होके 48 हो सकते थे, इस तरह का कोई डर था इसलिए मैंने पॉइंट कहे, लेकिन नहीं भी करोगे आप तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी 482.4 पे रेट लगाएं 3% 14 पॉइंट, क्या 14.5 को इधर पड़ा रहने दूं या कंपाउंड करूं, कंपाउंड करें, जवाब क्या आ जाएगा 496.9। इसमें फिर इंटरेस्ट लगाएं 3%, यार तो कैलकुलेटर फाड़ ला रशीद की हो गया नजर लग जाएगी यार, इस पे 3% 496.9 प्लस 14.9 511.8 ओके। इंशाल्लाह 2 मिनट फिर क्लास क्लोज करें। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, तसल्ली 30 सितंबर 15 की डेट डाल के इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट साथ साथ करें, हर महीने हर 3 महीने बाद एंट्री में, प्लीज फोकस। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, प्लीज इधर देखें, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 30 सितंबर की डेट डाल के इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल 31/12/15 की डेट डाल के। अगली एंट्री कैश क्रेडिट 60, 3 महीने का इंटरेस्ट 15 पॉइंट, पहले तरतीब कोई जल्दी नहीं, हमें बाइक रिक्शे वाला लेने आया हुआ है, खुद ही जाना है हमने, 15.4 नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल 14.5 प्लस 14.9
जी कितना हो गया भाई? हो अब्दुल्ला को बुलाओ भाई, इट्स गेटिंग लेट। तो 47 तो हो गए, अभी तक उन्होंने एक्टिविटी नहीं की जो मैंने कही थी। अच्छा 14.5 प्लस 14.9 29.4। लीज लाइबिलिटी 15.20। हाँ चलो ठीक है, क्लोज कर दो।